वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग मॉर्निंग इन स्पोर्ट्स कैफे। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक कप चाय और स्पोर्ट्स कैफे के साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिस्टर रुपेंद्र सिंह का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद पूनम। सर आज आपसे हम बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, हर खबर की जो तह तक जाएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर और साथ ही आपको बताएंगे फिटनेस के मंत्र, यानी कि कैसे आप फिट रह सकते हैं योग के द्वारा, और बताएंगे कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या कुछ खास हुआ था स्पोर्ट्स जगत की दुनिया में। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लैंसर्स टॉप मुंबई इन ट्रैक्स। फाइट टू द फिनिश। लहरी एंड चौरसिया लीड पैक। ये गोल्फ की बात हो रही है। Game on as BCCI panel takes charge. ये थी आज की बड़ी खबर। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, उस पर करेंगे चर्चा, जाएंगे उसकी गहराई तक। तो हमारी पहली खबर जो आ रही है वो हॉकी से है कि हॉकी में कलिंगा ने फिर से जो है मात दे दी है, चैंपियंस की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। दबंग मुंबई की बिल्कुल नहीं चलने दी उन्होंने। चलिए देखते हैं अखबारों में इसके बारे में क्या छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है लैंसर्स टॉप मुंबई इन ट्रैक्स। हिंदुस्तान ने छापा है लैंसर ने मुंबई का अभियान रोका। जी हां, मुंबई जो कि दबंग तरीके से खेलती आ रही थी उनको रोक दिया है लैंसर ने। दैनिक भास्कर कहते हैं कलिंगा लैंसर ने मुंबई के दबंगों को चखाई पहली हार का स्वाद। बिल्कुल, मुंबई जो कि अच्छे से खेलती आ रही थी उनको कलिंगा का जो है सामना करना पड़ा और वहां पे मात वो खा गए। चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आपकी क्या राय है। सर क्या क्या कमियां रही जिससे वो मैच हार गए? कमियां कोई नहीं रही है। इनफैक्ट लास्ट मैच में उनके जो सबसे महंगे प्लेयर हैं फ्लोरियन फुक्स ने कहा था कि हम अच्छा नहीं खेले थे बट वी गॉट अवे विद अ गुड रिजल्ट। आज उनका लक नहीं था। उनके ऑपोजिट साइड में फूसते हैं और वो भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो कलिंगा लैंसर्स अंडरडॉग्स और दबंग मुंबई, मुंबई में दबंग थे और अभी तक सारे मैचेस जीतते आए थे। कलिंगा लैंसर्स ने उनको अपस्टेज किया कल। मुंबई के भी चांसेस मिले, कलिंगा लैंसर्स को भी चांसेस मिले, पर फाइनली स्कोरलाइन 4-3 पे रह गया और कलिंगा लैंसर्स को एक मौका मिला सारी अन्य टीमों को बताने कि मुंबई को भी मुंबई में हराया जा सकता है। और बहुत अच्छा लीग चल रहा है एक्चुअली हॉकी के रिवाइवल के लिए। ये जो लीग स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन है जी। तो लैंसर्स में क्या क्या खूबियां हैं जो वो जो है एक विनर्स की तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया, हर मैच वो जीतते जा रहे हैं, तैयारियां बड़ी अच्छी लग रही हैं उनकी, लगता है खूब प्रैक्टिस की गई है, उनकी स्किल्स शानदार है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से टीमें तो दोनों ही शानदार हैं, दोनों ने प्रैक्टिस करी हुई है। 4-3 का स्कोर था, नथिंग मच टू चूज बिटवीन द टू टीम्स, बट कलिंगा ने एग्जीक्यूट किया। कल एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो कलिंगा ने मुंबई से ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट किया। इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा इंडियन यंगस्टर्स को हो रहा है जो साथ साथ खेल रहे हैं। हमने पिछले मैच में देखा था अफान यूसुफ ने 3 गोल मारे थे, एक फील्ड गोल और एक पेनल्टी कॉर्नर सा रिबाउंड जो 3 माना जाता है। हाँ, 2 किए थे कल, वो माने 3 कल वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। तो ऐसा होता है, अप डाउन चलेगा और बहुत टफ होने वाला है। दबंग मुंबई थोड़ा सा इनविंसिबल हो गई थी क्योंकि अपने घर में खेल रही थी। अभी शेरों को घर से निकलने दो, जैसे इंडिया निकल के जाती है क्रिकेट में इंग्लैंड, इंडिया में तो सबको मार मूर के खुश हो जाते हैं, जैसे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका बॉल थोड़ी घूमती है तो उनका हालत बुरा हो जाता है। बट इंडिया में बेस्ट हॉकी प्लेयर्स आ रहे हैं, इंडियन यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, ये एक कारण है अमंग्स अनेक कि भारत हॉकी में प्रोग्रेस कर रहा है। ऑलबिट स्लोली, हम खाली याद करते हैं गोल्ड मेडलों की, पर हम प्रोग्रेस करना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि हम कुछ साल पहले तक 10वें थे, अब 6ठे 5वें में आ गए और अगर ये कंटिन्यू किया ट्रेंड तो पहले 3 में भी आने लगेंगे। कुछ चैंपियनशिप्स में एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिल गया है, तो ये दर्शाता है कि हॉकी इंडिया अब राइट पाथ पे है और ये टूर्नामेंट उस पाथ को हेल्प कर रहा है जी। तो आपको क्या लगता है किस किस टीम में पोटेंशियल है? आप जैसे अगर टीम को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये वाली टीम में पोटेंशियल है, ये जो है सीरीज जीत सकती है, या ये वाली टीम मुझे लगता है कि ये अंडरडॉग्स हैं, ये आगे जाके आगे और अच्छा कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ऐसे आपको कौन सी टीम में जो पोटेंशियल ज़्यादा दिखाई देती है? टीम तो सारी अच्छी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और जो विनिंग टीम्स हैं प्रीवियस ईयर्स के वो प्रोबेबली थोड़ा सा मेंटली कॉन्फिडेंट हैं, जैसे पंजाब दिल्ली वगैरह, पर अभी
वो होम पे नहीं खेले हैं तो इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है. तो मेन चीज़ ये है, मुझे देखने में मज़ा आता है, कोई यंगस्टर इंडिया का उभर के आ रहा है और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स से और कोचों से कुछ सीख रहा है. हमारी राय तो उस तरफ देखती है और उस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है ऐसे प्लेयर्स के साथ. फ्लोरियन फुक्स खेलते हैं सुपर्ब दबंग बाउंगा के साथ, उनके साथ अफान यूसुफ लेवल रेज कर रहे हैं. जब क्या होता है, डिस्कशन होता है, दूसरा आदमी भी नॉलेजेबल हो तो डिस्कशन का लेवल ऊपर हो जाता है, वो डाउन हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वन साइडेड. तो ये टू साइडेड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इंडियन हॉकी के लिए. वेल सेड सर, बिल्कुल सही बात कही आपने. चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो क्रिकेट जगत से आ रही है. आज T20 का फाइनल है विराट के लिए, जो ये बहुत महत्वपूर्ण खेल होगा, गेम होगा, क्योंकि कैप्टन के तौर पर उनका ये पहला T20 होगा. चलिए देखते हैं अखबारों में इसके बारे में क्या छपा है. हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं शूट आउट एट विराट, चिन्नस्वामी. इंडियन एक्सप्रेस में छपा है वेटिंग इन द विंग्स, बिल्कुल उड़ने की पूरी तैयारी इंडियन टीम ने कर ली है, देखना यह होगा कि क्या उनकी मेहनत रंग लाती है. हिंदुस्तान में छपा है विराट पहले T20 सीरीज जीतने उतरेंगे. जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगा उनके लिए, देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहेंगे. अमर उजाला में छपा है भारत इंग्लैंड में निर्णायक जंग आज, बिल्कुल ये एक तरीके से जंग ही होगी, देखना होगा कि कौन जीतता है, दोनों ही टीम बहुत बेहतर है. दैनिक भास्कर ने छापा है इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीतने का मौका, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगा, सब में एक्साइटमेंट बना हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, सब बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि देखते हैं विराट की जो कप्तानी है वो क्या रंग लाती है. ऐतिहासिक हो गया मैच क्योंकि T20 सीरीज देखा जाए तो हम जीते नहीं है, और दोनों मैचेस का परफॉर्मेंस देखे तो इंग्लैंड डेफिनेटली इंडिया से बेटर थी. इंडिया हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड. अब पिछले मैच की बात देखो, आज मैं सुबह एक कॉलम पढ़ रहा था जिन्होंने बात करी विराट कोहली की, वो कहते हैं कि विराट कोहली ओपनर आते हैं, अच्छा है, मैक्सिमम बॉल्स और अच्छे खेलेंगे, ठीक है, पर वो तो कप्तान है. वो कह रहे हैं कि राहुल मस्ट टेक द चॉइस ऑफ बींग द एग्रेसर एंड अलाउ विराट टू सेटल डाउन. विराट को कौन रोक रहा है जी? सेटल करे, बोले, ऑर्डर दे राहुल को. तो ये बड़ा खासियत है इंडिया में कि एक प्लेयर अच्छा हो गया तो सारी चीजें उन्हीं के फेवर में घुमाते रहो. ही कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड दैट इज द लर्निंग ऑफ क्रिकेट. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, हार जीत तो होती रहेंगी जी, पर पिछली बार देखा गया कि बैटिंग से जो उम्मीदें थी वो उतनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए. बैटिंग में हमारी मेन उम्मीद थी विराट कोहली से. विराट कोहली थर्ड ओवर में क्योंकि रन नहीं मार पा रहे थे, पिच को असेस नहीं कर पाए, ये उनकी गलती थी, और उन्होंने 15 रन मारे थर्ड ओवर में. उन्होंने सोचा ले जी मेरा तो फॉर्म आ गया, चौथे में स्लोअर बॉल डाल के फर्स्ट बॉल में क्रिस जॉर्डन ने आउट कर दिया. तो ये स्ट्रैटेजी सोचने वाली होती है दिमाग से, ना कि अग्रेसिव इंटेंट और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा. यहाँ आता है सोच. खेल का बैलेंस होता है मेंटल और फिजिकल. फिजिकली आउटस्टैंडिंग है विराट कोहली. अगर उनको कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिक टू सचिन तेंदुलकर, विराट इज इनकम्पेरेबल, पर ही हैज टू लर्न वॉट इज हिज वीकनेस. एज अ कोच सबको ये सिखाना है, ठीक है जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही है, बट वी हैव टू लर्न, ऑल ऑफ अस आर गुड और बैड. इनफैक्ट जो रूट ने बहुत बेहतरीन कमेंट किया अंपायरिंग एरर्स पे, उसने कहा कि हम भी बैट्समैन की तरह गलतियां करते हैं, तो अगर अंपायर ने एक गलती कर दी तो क्या खराबी है? नहीं. कोई खराबी नहीं है. तो ये है विराट कोहली को, अब अगर सीख आ गई है पिछले इनिंग से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि विराट कोहली इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं भारत को जिताने के लिए. दूसरी चीज है, थैंकफुली ये पिच छोटा ग्राउंड है, और दूसरा बैटिंग विकेट है, और कुछ रन बनेंगे और फिर इंडिया को फायदा होगा. आप देखिए युवराज और धोनी, धोनी को भी उन्होंने उतारा नहीं, मनीष पांडे को भेजा. क्यों? कि कैप्टन की फीलिंग थी जो स्पिन हो रही है, तुमने स्पिनर्स पिच बनाया है तो स्पिन तो होगी, उस पे धोनी शायद संभाल नहीं पाएगा, जब पेसर आएंगे तो उसको भेजेंगे. अब व्हेन यू नो दैट इट इज अ स्पिनिंग पिच एंड धोनी इज परहैप्स नॉट इफिशियंट इनफ, दैट इज व्हाट वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन, देन व्हाई हैव यू पिक्ड धोनी? ये सब ब्रेव डिसीशंस इनको लेने होंगे, सीख लेनी होगी. बहुत अच्छे खिलाड़ी है पोटेंशियल वाइज, नो डाउट. इंडिया ने क्या डोमिनेट किया टेस्ट सीरीज, 4-0 से जीते, 3 वन डेज आए, बाल बाल जीते, लकी था. तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन टीम में अभी बना हुआ है, सीनियर प्लेयर्स नहीं, परफेक्ट नहीं है. अच्छा, यही बात है,
सोचना चाहिए. परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक पिच के लिए होता है. जिस पिच पे धोनी और युवराज ने सेंचुरी मारी उसके लिए युवराज एंड धोनी परफेक्ट थे. पिछले पिच के लिए ये कुछ भी नहीं थे. दिख रहा है साफ. तो हु हैज टू रीड ऑल दिस एंड टेक डिसीजंस एंड मेक इट ब्रेव फॉर द कंट्री. राइट, ठीक है. विराट इंपॉर्टेंट है, विराट अग्रेसिव है, विराट वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है. हमें फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडिया मस्ट विन. इन दैट फिटनेस ऑफ थिंग्स विराट मस्ट स्लोली बैट हिमसेल्फ इन एंड देन एक्सप्लोड. राइट, राहुल ने किया तुम्हारे से छोटा लड़का. हाँ. स्टॉप खेल के देखा जाए तो पिछला मैच जो है पूरा राहुल ने ही संभाला. बिल्कुल, बैटिंग की तरफ से उसने सारे सीनियर्स को दिखाया. ही गॉट इन और फिर 71 मारा. विराट कोहली जी धड़ाधड़ मार के 15 पे आउट होके चले गए. ये तो बैटिंग की हमने बात. और विराट अगर रह जाता तो विराट भी 70 कर देता तो टीम तो जीत गई थी. सो इट वाज ऑल इन द माइंड. फिजिकली इंडिया इज सुपीरियर. सो बैटिंग की हमने बात की, बॉलिंग पे अगर आ जाएं हम तो पिछली बार बुमराह और नेहरा ने कमाल कर दिखाया. Absolutely. तो आपको क्या लगता है इस बार बॉलर से आपको कितनी उम्मीद है? Absolutely. मेरे हिसाब से एक्चुअली अंपायर बुमराह और नेहरा ने भारत को ये मैच जिता दिया लास्ट ओवर में. पर बुमराह आउटस्टैंडिंग. फेथ रखना होगा अपने बच्चों पे. जिसको भी खिलाते हो उसके साथ फेथ रखो. यही मैं कहने वाला था. तुम लोग कहते रहते हो कि एक्सपीरियंस हुआ. एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? राहुल, बुमराह और एक एक्सपीरियंस आदमी आशीष नेहरा. इफ दैट एक्सपीरियंस इज ऑफ दैट लेवल प्ले हिम. व्हेन यू आर स्केर्ड ऑफ पुटिंग धोनी इनटू हिज बैटिंग ऑर्डर देन व्हाई आर यू प्लेइंग हिम? यू नो द पिच बिफोर हैंड. यही नागपुर पिच में हम वर्ल्ड कप T20 न्यूजीलैंड के साथ खेले थे. उनको 123 पे आउट किया था, बहुत खुश हो गए थे, खुद 73 ऑल आउट हो गए थे. तो ये कोई नई बात नहीं है जी. पर इन्होंने कुछ सीखा नहीं उस बात. सीखा नहीं, सीखना बेहद जरूरी है. एब्सोल्युटली. सबसे मजा किसी भी चीज में लाइफ में सीख है. हार जीत तो होती रहेगी ज्यादातर. आई होप सर इस बार टीम सीखे और अपनी गलतियों को दोहराए ना. अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो है गोल्फ से. 8 साल बाद एक सीरीज होने जा रही है गोल्फ की इंडिया में, इंडिया ओपन गोल्फ चैंपियनशिप. चलिए इस पे बात करेंगे. पहले देख लेते हैं कि अखबारों में इसके बारे में क्या छपा है. मेल टुडे कहते हैं लहरी एन चौरसिया लीड पैक 8 साल बाद होने वाली है और 12 करोड़ की धनराशि इसके ऊपर रखी गई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं लाइनअप फॉर इंडिया ओपन गोल्फ. हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं लहरी एम्स फॉर इंप्रूव फिटनेस अहेड ऑफ दुबई डेजर्ट क्लब. ये गोल्फ की बात हो रही है और गोल्फ जो है एक बहुत ही इंडिया के लिए देखा जाए तो एक नया स्पोर्ट के तौर पर है. आम लोग इसको इतना अच्छे से नहीं जानते, इसकी जो बारीकियां हैं वो नहीं जानते. तो अच्छा है इस तरीके के टूर्नामेंट्स इंडिया में हो रहे हैं और 8 साल बाद ये हो रहा है और 12 करोड़ जैसी हैवी जो है अमाउंट धनराशि प्राइज. बहुत अच्छी बात है. मैं समझता हूँ इंडिया में अभी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स विजनरीज नहीं हैं. वो खाली क्रिकेट में खर्चा करना चाहते हैं और किसी चीज़ में नहीं. जो चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, चाइना देखो, चेल्सी के प्लेयर को खरीद के ले गया, उधर हलबल ही मच गई इंग्लिश प्रीमियर लीग जो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया लीग है. तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी एंड पे हाई प्राइसेस इफ़ यू वॉन्ट टू कम्पीट इन द वर्ल्ड. और गोल्फ में कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं. पहले होता था खाली रिच लोगों का गेम, अब सर्विसेज खेलने लग गया है, कैडीज खेलने लग गए हैं, लड़कियां खेलने लग गई हैं. और ये है गोल्फ की सीख और इसमें मज़ा आता है. अनिर्बान लाहिरी भी टॉप 50 की तरफ जाता है. जीव मिल्खा सिंह ने प्लंज लिया था, उसके बाद अटवाल ने प्लंज लिया. तो ये तीसरी जनरेशन है. तो ऐसे होता है प्रोग्रेस. यहाँ उठ के बोलते हैं ओलंपिक मेडल जीत जाओ. अरे तो जनरेशन से बढ़ेगा और वो दिन भी आएगा. बच्चों में टैलेंट है, उसमें फेथ रखो, उनको उस तरह की हेल्प करो. अब $12 मिलियन की अगर रेसलिंग हो जाए या बॉक्सिंग हो जाए या एथलेटिक्स हो जाए, देखो क्या स्टैंडर्ड ऐसे ही. राइट, यू डोंट नीड एनीथिंग. वो क्यों तुम फेडरेशनों को पैसा दे रहे हो? जस्ट ओरिएंट मनी फॉर परफॉर्मेंस एंड गिव इट टू द स्पोर्ट्समैन. दे विल फाइंड देयर ओन कोचेस, दे विल डू एवरीथिंग. पूरी दुनिया में केन्या सबसे गरीब कंट्री है, पर अगर उनके लिस्ट ऑफ 10 बिगेस्ट अर्नर्स देखोगे तो 6 से 7 लॉन्ग डिस्टेंस रनर है. केनिया से तो नहीं कमा रहे, पूरी दुनिया से उठा के कमा रहे हैं. इंडिया में 2004 से हमने स्टार्ट करवाई थी मुंबई मैराथन, अब हो गया 2017. 13 साल से 15 लाख दिल्ली से लेके जा रहे हैं, 30 लाख बॉम्बे से लेके जा रहे हैं, बेंगलोर से 10-10, 15-15 लाख लेके जा रहे हैं. इंडियन तो कुछ भी नहीं कमा रहे. तो यू हैव टू ओरिएंटेड टूवर्ड्स दैट वेयर द इंडियन सेंसेस द प्राइड
इन गेटिंग दैट बिग प्राइज मनी। आप ऑफिशियल्स हो, आप तो अपना टीएडीए लेने के लिए घूमते रहते हो। वो बेचारे एथलीट को आज भी मैं नेशनल्स में कमेंट्री करता हूँ, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल पकड़ा के चलता कर देते हैं। तो आपको क्या अगर बजट है कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इसको? कुछ सिंपल फोकस मस्ट बी ऑन एथलीट्स। द डे दे एथलीट और कोच डिसीजन लेंगे सब कुछ हो जाएगा। वी डोंट नीड अ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी डोंट नीड फेडरेशन। एथलीट्स मस्ट बी द फोकस, दे मस्ट बी गिवन द कॉन्फिडेंस व्हिच नो वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर गिविंग देम। मिनिस्ट्री में एक टॉप स्कीम चालू हुआ था, छह महीने फाइल हटाने में लगते थे एथलीट को वहां पे, तो वो उसका काम है। अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे बेसिक, कल देखो बीसीसीआई का जो अगली स्टोरी आने वाली है, क्या कमाल के लोग हैं, इतने थिक स्किन्ड लोग अगर इंचार्ज रहेंगे तो बच्चों का। बिल्कुल सर, अगली हमारी स्टोरी यही है, बीसीसीआई से ही जो न्यूज है वही उसी पे चलते हैं और देखते हैं कि न्यूज पेपर्स ने इसमें क्या क्या छापा है। मेल टूडे कहते हैं गेम ऑन एज बीसीसीआई पैनल टेक्स चार्जेस। विनोद राय जी जो है कमेटी के हेड बन गए हैं और देखना यह है कि क्या इम्प्रूवमेंट वो कर पाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं बीसीसीआई जेटी एससीसीवाई फ्रॉम मीटिंग। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है हाउ बीसीसीआई होल हार्टेडली बैक द रोल बैक दे नाउ अपोज। बहुत बड़ी खबर है ये आज की, क्योंकि एक्साइटमेंट तो है ही लोगों के मन में कि इस बार कुछ नए और टैलेंटेड लोगों को जो है हेड बनाया गया है। हिंदुस्तान ने छापा है आईसीसी बैठक में भारत के 5 सदस्य, बहुत बड़ी खबर है ये। और कल भी हमने इस पे बात की थी और विनोद राय जो हैं वो हेड बन गए हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और काफी उनकी जो एक रेपो है, तो आप इस पे बताइए हमें कि कैसा लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे वो कुछ? मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग बोर्ड वाले मेंबर्स हैं, जुलाई से ऑर्डर हो गया है, आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहाने पे बहाने की स्टेट नहीं एक्सेप्ट कर रही, ये वो। अब तो क्लियरली ऑर्डर बोल दिया, इंचार्ज कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स 4 नाम ले लिए, ये सारे काम करेंगे वो। उसके बावजूद और कुछ पेपर तो लिख रहे हैं बीसीसीआई जॉइंट सेक्रेटरी, ही इज नो लॉन्गर सेक्रेटरी, उसको निकाल दिया गया है, वो सेक्रेटरी नहीं है, पर वो अज्यूम करते हैं कि हम तो इस लेवल के हैं। अब ऐसी मीटिंग के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब क्लैरिफिकेशन पहले लेने चाहिए, वो वेट करते हैं हम किसी तरह से पीछे से आके घुस जाएं। हाल ही में सुरेश कलमाडी और उसको लास्ट मिनट में आए हुए मीटिंग में घुसेड़ने की कोशिश करी, ये क्या तरीका है? मतलब इट जस्ट शोज द लेवल ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटर्स। और दूसरी तरफ देखो बच्चे कितने अच्छा खेल रहे हैं और फिर भी इनका राज चल रहा है 70 साल से, और अभी भी वो जो टॉप की फोर्स बैठेगी बिंद्रा गोपी चंद इतने अच्छे अच्छे लोगों की, वो रिपोर्ट देंगे एसएआई को और एसएआई डिसाइड करेगा। अरे कमाल की बात है, लेट द एथलीट्स हु हैव परफॉर्म्ड एंड हु आर प्रोफेशनली इन टच विद द गेम टू डिसाइड। तुम राजे बने रहो, तुम क्रिकेट के प्रेसिडेंट बने रहो, तुम पैसे खाने दो, पर काम प्रोफेशनल को करना पड़ेगा हर एक चीज में। ये तो स्पोर्ट्स में हमें दिखता है क्योंकि हमें इंटरेस्ट है, हेल्थ में भी यही हाल है, एजुकेशन में भी यही हाल है, एग्रीकल्चर में भी यही हाल है, सब चीजों में। एंड स्पोर्ट इज अ स्मॉल पार्ट, और इसमें भी इतनी मारामारी जस्ट फॉर द मनी एंड द ट्रैवल दैट दे अक्रू टू वॉच वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और गेट देयर रिलेटिव्स टू वॉच अ मैच, मुझे कहाँ समझ आता है। सोचना चाहिए हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, वो तो कभी सोचा ही नहीं जी। तो सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट लिटरली सारी चीजें स्पेल आउट करने पड़ी, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। You can judge for yourself what is the need of me to speak on it. तो आपको क्या लगता है कि विनोद राय के आने से कुछ changes हो पाएंगे, क्या वो कुछ improvement कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका background है, खराब तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो हालत BCCI ने करी है उससे खराब तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद 6 घंटे होटल में घूम रहे ज्वाइंट सेक्रेटरी, और पेपर वाले अभी भी उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बुला रहे हैं। अरे तू कहाँ का ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, क्लियरली विनोद राय को पढ़ के सुनाना पड़ा बिफोर ही कुड प्रोसीड विद द मीटिंग आफ्टर 6 hours ऑफ वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम। टाइम इज मनी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, फॉर देम मनी इज मुफ्त। बीसीसीआई के कॉफर्स भरे हुए हैं, उड़ाए जा रहे हैं, अभी भी उसी पैसों से ट्रैवल करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, और ये पेश आ रहा है। तो साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, और जो भी नेक्स्ट आएगा इससे खराब हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि टाइम जो है वो मनी है, ऐसे ही हेल्थ भी जितना टाइम इम्पॉर्टेंट है उतना ही हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज जानेंगे हम योग्य विराज जी से कि वरुण सॉरी वरुण जी से कि क्या वो लाए हैं हमारे लिए, क्या खास क्रियाएं लाए हैं जो घर पे बैठ के हम जिनसे अपना जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वरुण जी के पास और सीखते हैं उनसे कुछ अच्छी अच्छी योग क्रियाएँ। आपने राइट लेग को फोल्ड कीजिएगा, अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिएगा, गुड। अब हम आपको करके दिखाएंगे अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को जो है पास में एक दूसरे के पास में रखिएगा रिलैक्स वाली पोज में और नी के बल खड़े हो जाइएगा नी पर, गुड। अब इनहेल करते हुए हमें बैकवर्ड बेंडिंग करना है, गर्दन को पीछे झुकाना है और सामने जो है सीना बाहर निकालना है। इनहेल, गुड, होल्ड कीजिएगा। सांस को अंदर रोक करके रखना है, वापस आएगा धीरे धीरे, गर्दन को सीधा कीजिएगा, गुड। अब दोनों हाथों को हटा लीजिए और नीचे बैठ जाइएगा, रिलैक्स। यह था प्रिय दर्शकों अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में हमारा पूरा का पूरा जो है अपर बॉडी का जो फैट होता है वो जो है कम होता है और साथ ही साथ हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी जो है उसको जो है यह आसन लचीला बनाता है। अब हम करके दिखाएंगे आपको मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां क्लोज कीजिएगा, बंद कर लीजिएगा और वेस्ट के पोर्शन पर टच कीजिएगा, उसको रखिएगा। एक सांस लीजिए लंबा गहरा, अब उसको एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिएगा, एक्सहेल और होल्ड कीजिए। सामने देखना है हमें, सामने देखना है, गुड। देखिए ध्यान से कैसे इस आसन को हमने किया है। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा और साथ ही साथ पेट के फैट को कम करेगा, रिलैक्स। धीरे धीरे से वापस। अब हमारा जो है अगला आसन है उष्ट्रासन, कैमल की पोज वाला। नी के ऊपर खड़े होंगे आप लोग, गुड। राइट हैंड से राइट हील को टच कीजिएगा, पकड़ लीजिए पीछे से साइड से लाते हुए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को। अब इनहेल करते हुए गर्दन को नीचे झुकाइएगा और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है, टमी को बाहर की तरफ निकालना है, गुड। होल्ड कीजिए, देखिए पूरा अपर बॉडी स्ट्रेच हुआ है, साथ ही साथ शोल्डर के ऊपर अच्छा स्ट्रेच आया हुआ है और उसके साथ साथ हमारा जो है स्पाइन पर भी अच्छे से स्ट्रेच आया हुआ है, तो पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए बड़ा अच्छा आसन है, रिलैक्स। धीरे धीरे ऐसे ही एक हाथ को हटाइएगा दूसरे हाथ को और आराम से वज्रासन में बैठ जाइएगा, गुड। अब हम अगले आसन के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। पहले राइट लेग को सीधा कीजिएगा, धीरे से बाहर निकालिएगा, उसको सीधा कीजिए। देखो ये भी जो है पैरों को एक सीधा करने का तरीका हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिएगा, गुड। और अब शव आसन कीजिएगा लेफ्ट साइड करवट लेकर के, ऐसे, बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को सीधा कीजिएगा, हथेलियां नीचे की तरफ रखिएगा। अगला हमारा जो आसन है उत्तान पादासन है। उत्तान पादासन में उत्तान जैसा कि